नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए इंतज़ार था कि आर्मी की रिलेशन भर्ती कब निकलेगी। दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उस पर ज़्यादातर कमेंट आते हैं मेरे लिए कि सर आर्मी की रिलेशन भर्ती कब निकलेगी। तो दोस्तों, आपका वो इंतज़ार था जो ख़त्म हो चुका है। आर्मी की जो रिलेशन भर्ती है वो निकल चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर GD और ट्रेड्समैन दोनों की ही भर्ती रिलेशन भर्ती निकल चुकी है दोस्तों। और भर्ती कहाँ निकली है, ये दिल्ली में होगी, राजपूताना राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर में। तो दोस्तों, राजपूताना राइफल्स यानी कि राजरिफ जो ट्रेनिंग सेंटर है वो दिल्ली में है। तो आप इस भर्ती को देखने के लिए दिल्ली में जाकर इस भर्ती को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बताऊँगा कि इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये भर्ती बिल्कुल फेक नहीं है। आजकल YouTube पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फेक भर्तियों के भी बंदे जो हैं वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ कि राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर रिलेशन भर्ती 2020, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस भर्ती में मैं आपके लिए, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं ये प्रूफ के साथ में आपको दिखाऊँगा कि ये भर्ती सही है। क्योंकि दोस्तों, जो राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से जो लेटर निकाला गया है इस भर्ती के लिए, UHQ भर्ती है, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की ये भर्ती है। तो उसका जो नोटिफिकेशन राजपूताना राइफल्स की तरफ से निकाली गई है, मैं आपके लिए इस वीडियो में वो नोटिस भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी भर्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दी राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर इज कंडक्टिंग ए रिक्रूटमेंट रैली अंडर यूनिट हेडक्वार्टर कोटा फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सन्स वार्ड एंड वार विडोज ऑब्लिक सर्विसमैन ऑब्लिक सर्विसमैन पर्सनल ब्रदर ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल एंड ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर म्यूजिशियन अगेंस्ट द वैकेंसीज अलॉटेड इन सोल्जर GD सोल्जर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन विल बी कंडक्टेड एट राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर डेली। Eligible candidates are advised to report to the given location by on the specified date to participate in the recruitment rally. तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बार हिंदी में बता देना चाहता हूँ कि ये रिलेशन की भर्ती है और रिलेशन के साथ साथ ये भर्ती दोस्तों ओपन भर्ती भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोल्जर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन की भर्ती है ये ओपन भर्ती है दोस्तों। इसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, मतलब इस भर्ती के लिए जाकर देख सकता है, उसके लिए किसी भी तरह के रिलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और बाकी दोस्तों, जो यहाँ पर और ट्रेड्स हैं, ट्रेड्समैन में और सोल्जर GD की भर्ती है, वो प्रॉपर रिलेशन भर्ती होगी। तो उसमें कौन कौन जा सकता है दोस्तों? सन वार्ड्स ऑफ वारबिडोस एक्स सर्विसमैन सर्विसमैन ब्रदर एंड सन ऑफ सर्विस एंड रिटायर्ड पर्सनल। तो इनके जो बच्चे हैं या भाई हैं वो इस भर्ती के लिए देख सकते हैं। केवल सोल्जर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन की भर्ती ऐसी है जिसमें ओपन भर्ती है और इसमें कोई भी जाकर देख सकता है भर्ती के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है सोल्जर जनरल ड्यूटी सोल्जर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन। तो वेन्यू है दोस्तों, मतलब कहाँ पर आपको जाना है इस भर्ती को देखने के लिए, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली। तो आपको राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में इस भर्ती को देखने के लिए जाना होगा, मतलब भर्ती में शामिल होने को जाना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोस्तों, कोई नीड नहीं है, मतलब नो नीड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट हैज़ टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू द रैली साइट एट राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर भर्ती दिल्ली में। तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो भी डेट मैं अभी आगे जाकर बताऊँगा, उस डेट में आपके लिए राजपूताना राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में जाकर रिपोर्ट करना है और इस भर्ती में जाकर शामिल हो जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सोल्जर GD के लिए 10th पास होना चाहिए विद ओवरऑल 45% मार्क्स, मतलब आपको 10th पास होना चाहिए और आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद में आपको किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सोल्जर ट्रेड्समैन एंड सोल्जर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन की जो भर्ती है उसके लिए आपको 10th पास या 8th पास सिंपल पास होना ज़रूरी है और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। एज है आपके यहाँ पे सोल्जर GD के लिए 17.5 से 21 साल है और सोल्जर ट्रेड्समैन एंड सोल्जर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन के लिए 17.5 से 23 साल है। तो मतलब अगर आप GD की भर्ती देख रहे हैं जनरल ड्यूटी की, तो आपकी एज 17.5 से मतलब 17.5 से लेके 21 ईयर्स तक होनी चाहिए
और वहीं आप सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हो या अदर ट्रेड्स हो, तो उनके लिए आपकी भर्ती जो रिलेशन मतलब आपकी जो एज होगी वो 17.5 से यानी कि 17.5 से 23 ईयर्स के बीच में होनी अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT पे होगा जो कि रैली साइट पे होगी। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट आपके आप सभी जानते हैं कि आर्मी की जो रनिंग होती है वो 1.6 किलोमीटर की होती है और उसके लिए 5 मिनट 30 सेकंड से जो पहले कवर करते हैं उनको 60 मार्क्स मिलते हैं और वो जाते हैं ग्रुप वन में। तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पास करेंगे तो आप ग्रुप वन में जाएंगे और आपको रनिंग के मिलेंगे 60 मार्क्स। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं तो आप ग्रुप सेकंड में जाएंगे और आपके यहाँ पर 12 नंबर कट हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे फिर 48 नंबर। उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर पुलअप्स हैं मतलब बीम, अगर आप 10 पुलअप मारेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 9 पुलअप्स मारेंगे 33 नंबर मिलेंगे, 8 मारेंगे तो 27 नंबर मिलेंगे और 7 मारेंगे तो 21 नंबर और दोस्तों अगर 6 मारेंगे तो 16 नंबर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके लिए इस भर्ती में केवल 10 चिनअप ही लगाना जरूरी नहीं है, अगर आप 6 पुलअप्स भी मारते हैं तब भी आप इस भर्ती को जाकर देखें, नंबर भले ही आपको कम मिलेंगे लेकिन आप चिनअप में फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस की। तो इसके लिए दोस्तों आपको नीड टू क्वालिफाई होता है, केवल आपको इसको पास करना जरूरी होता है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा दोस्तों आपका एक रैली साइट में, यहाँ पर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। तो हाइट आपकी मैं बता चुका हूँ यहाँ 168 सेंटीमीटर है और सोल्जर जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होगा और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना अनिवार्य होगा। रिटन टेस्ट होगा दोस्तों आपका थ्रो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मतलब CE आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि OMR बेस पे होता है दोस्तों और केवल ऑप्शन रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद में जो बंदे ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं उनका ट्रेड टेस्ट भी होगा, जैसे म्यूजिशियन है तो आपको कोई भी म्यूजिक बजाकर दिखाना होगा, अगर आप कोक हैं तो आपके लिए खाना पकाना होगा। उसके बाद में आप बार्बर हैं, अगर बार्बर की ट्रेड में भर्ती देख रहे हैं तो आपको बार्बर मतलब बाल काटने पड़ेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट ऑब्लिक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल एट रैली साइट विद फोटोकॉपी। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाना है रैली साइट पर, अभी मैं उसको बता देता हूँ आपके लिए। आपके पास में दोस्तों फोटोग्राफ्स होने चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सनद, और उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्राम प्रधान या सरपंच। उसके बाद में आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, एफिडेविट ऑफ रिलेशन रिलेशन कैंडिडेट आपके पास में एफिडेविट होना चाहिए, ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए आपके फादर की या फिर आपके ब्रदर की, अगर आप अगर वो डिस्चार्ज हो चुके हैं मतलब रिटायर हो चुके हैं, अगर NCC सर्टिफिकेट है तो NCC सर्टिफिकेट लेके जाएं। एक बात मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ दोस्तों, जो अगर आप NCC सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और आपके पास में अगर NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपके लिए इस भर्ती में कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, आप केवल फिजिकल और मेडिकल पास होने के बाद ही सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो उसको ले जाना चाहिए, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी ले जाना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये भर्ती है कब, तो भर्ती दोस्तों 15 अप्रैल 2020 से 24 अप्रैल 2020 के बीच में कंडक्ट की जाएगी। तो 15 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आप इस भर्ती को जाकर देख सकते हैं। तो आपके लिए दोस्तों रैली साइट यानी कि राजपूताना रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में 15 अप्रैल से पहले यानी कि 14 अप्रैल को जाकर रिपोर्ट करनी अनिवार्य होगी। अभी दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि मैं आपको इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो राजपूताना रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर ने जारी किया। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन पे, क्लिक हियर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अगर सही से दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों राजरिफ में यूनिट हेडक्वार्टर कोटे की भर्ती, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 15 अप्रैल 16 अप्रैल जो भी इसका भर्ती का शेड्यूल दिया गया है। इसका दोस्तों जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और तसल्ली से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये 15 अप्रैल तक वीडियो पूरे भारत में फैल जानी चाहेंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जाके भर्ती देख सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।